भारत ने एक बार फिर अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जापान और चीन को चौंका दिया है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025 के लिए यूनियन बजट पेश किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि भारत अब अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की खुद माइनिंग और प्रोसेसिंग करेगा। इससे चीन और कजाकिस्तान से आयात की निर्भरता कम होगी और देश को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह कदम देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा चीन और अमेरिका को झटका देते हुए भारत ने कई उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी। यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा और भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा। आखिर क्या है भारत का इस बजट के पीछे का प्लान, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत द्वारा पेश किए गए इस बजट के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है और वीडियो को लाइक अपने देश के बजट के खातिर तो कर ही सकते हैं। खैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत ने घोषणा की है कि वह महत्वपूर्ण खनिजों की माइनिंग और प्रोसेसिंग पर काम करने जा रहा है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक भारत इन खनिजों को चीन और कजाकिस्तान जैसे देशों से आयात करता था। यह खनिज विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक है और इनकी माइनिंग से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे चीन और अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। भारत के इस बजट अनाउंसमेंट के बाद चीन और जापान जैसे देशों की आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ती दिख रही है। भारत के इस कदम से इन देशों के साथ साथ अन्य देशों को भी यह संदेश गया है कि भारत अब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ चुका है। JP Morgan, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने भी भारत पर विश्वास जताया है। कंपनी ने भारत में $40 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया है। यह निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विशेष रूप से रेलवे प्रोजेक्ट को और भी अधिक उन्नत बनाने में मदद करेगा। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस निवेश से और भी मजबूत होगा और यह देश को एक नई दिशा में ले जाएगा। इस बजट में भारत के ग्रामीण इलाकों में 4G और 5G सेवाओं को पहुँचाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के ठेके भारतीय कंपनियों को दिए जाने की योजना बनाई गई है। भारत के घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई नीतियों को लागू किया गया है। इन नीतियों का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के मामले में अपनी पहचान बना रहा है। भारत द्वारा कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और डिवाइस निर्यात किए जा रहे हैं। यह बजट कई मायनों में खास है। इसमें महत्वपूर्ण खनिजों की माइनिंग पर जोर दिया गया है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम चीन को इस क्षेत्र में कड़ी टक्कर देगा। बजट में शामिल अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में बिजली और पावर जनरेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कदम देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी के तहत ग्रामीण इलाकों में 4G और 5G सेवाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की आर्थिक वृद्धि और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी गई है और इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया गया है। इस बजट के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट ने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को भी यह दिखा दिया है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था इस बार के बजट का विस्तारित और संक्षिप्त विवरण। भारत की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। वैसे इस यूनियन बजट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।